हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे वेयर क्लॉज और थोड़ा उससे भी आगे। तो जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि हमारे पास ये टेबल होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इसी टेबल पे हम अपनी सारी क्वेरीज को प्रैक्टिस करेंगे और जब रिक्वायरमेंट होगी तो अलग से भी देखेंगे, लेकिन ये हम लोग बेसिक। नाउ इससे पहले हम लोगों ने यूज़ किया था सेलेक्ट स्टार, और स्टार वहाँ वाइल्ड कार्ड था, मतलब वो सारे इन्फॉर्मेशन को लेके आता था। फिर हम लोगों ने यूज़ किया कॉलम्स, जैसे क्वेरी थी हमारी राइटिंग क्वेरी इन एसक्यूएल टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर, ई नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, तो हम लोगों ने उसको भी देखा था। लेकिन फिर भी जो रिज़ल्ट हैं वो सारे टपल्स को लेकर ही आ रहे थे, हम किसी को फिल्टर नहीं कर पा रहे थे। जो रिज़ल्ट में है वो सारा ही टपल्स, टपल्स का मतलब रोज़ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 टपल्स हैं, तो आठों के आठों आ रहे थे रिज़ल्ट में, लेकिन हम बस कॉलम को अलग कर पा रहे थे। नाउ क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें हम कुछ ऐसा कंडीशन लगा पाएँ कि वही टपल आएँ या वही कॉलम्स उस पर्टिकुलर टपल्स के आएँ जिनका जो डिपार्टमेंट नंबर 20 हो या डिपार्टमेंट नंबर 30 हो या जिनका सैलरी 3000 से ज़्यादा हो, ऐसा कुछ। तो वहाँ पे आप हम उस चीज़ को बोलते हैं लिमिटिंग द रो सेलेक्टेड, और इसके लिए आप यूज़ करते हैं वेयर क्लॉज, ठीक है। तो हम पहला क्वेरी देखेंगे। तो जो क्वेरी का फॉर्म होगा, हम लोगों ने क्या कहा था कि किसी भी एसक्यूएल क्वेरी में सेलेक्ट का और फ्रॉम का होना ये मस्ट है, मतलब ये ज़रूरी है, इसके बिना कोई भी एसक्यूएल क्वेरी नहीं हो सकती। इसके बाद हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे वेयर क्लॉज। ये वेयर क्लॉज हमारे फिल्टरिंग के लिए होगी, मतलब जो भी रोज़ आ रहे हों उनमें से हम कंडीशन लगा के फिल्टर कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक क्वेरी लिख कर देखते हैं। तो जो क्वेरी है, मैं क्वेरी पढ़ देता हूँ। राइट ए क्वेरी इन एसक्यूएल टू डिस्प्ले नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन डिपार्टमेंट 10, ठीक है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमें क्या डिस्प्ले करना है, नेम और सैलरी, लेकिन किन एम्प्लॉयज़ का, वो एम्प्लॉय जो डिपार्टमेंट 10 में काम करते हो, बाकी हम लोगों को नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो पहली बात, वेयर क्लॉज में आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स कुछ हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं फिल्टरिंग के लिए। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है, वो क्या क्या है? इक्वल टू, इक्वलिटी के लिए, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू को हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ओके। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं एसक्यूएल क्वेरी में, कहाँ पे? वेयर क्लॉज में, रोज़ को फिल्टर करने के लिए। इसी तरह हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हैं, लेकिन हम उनको बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम इससे ही काम चलाते हैं अपना, ठीक। तो हमारी क्वेरी क्या है? राइट ए क्वेरी इन एसक्यूएल टू डिस्प्ले नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हु आर इन डिपार्टमेंट 10, मतलब हमें नाम चाहिए, सैलरी चाहिए, लेकिन किन एम्प्लॉयज़ की, जो डिपार्टमेंट 10 में काम करते हो। तो हमारा क्वेरी यहाँ कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट, क्या क्या चाहिए आपको? नेम, तो जिस तरह टेबल में हमारा नाम है वही हम लिखेंगे। टेबल में हमारा नाम है ई नेम, ई नेम कॉमा सैलरी, सैलरी वहाँ क्या है? एस एल सैल से है, ठीक है। किस टेबल से चाहिए? एम्प्लॉय टेबल से, फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है। अगर सिर्फ इतना लिखकर छोड़ दें तो ये कोई फिल्टरिंग नहीं करेगा, ये सारे पूरे टेबल से
ई नेम और सैलरी को प्रिंट कर देगा, लेकिन हमें फिल्टर करना है कंडीशन क्या है, डिपार्टमेंट 10 में जो काम करते हो। तो हम वेयर क्लॉज यहाँ पुट करेंगे, वेयर DNO, क्योंकि हमारा वहाँ DNO डिपार्टमेंट नंबर के लिए है, इक्वल टू 10। और जितने भी एसक्यूएल क्वेरी हैं सेमी कॉलन से एंड होते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें रन थोड़ी करवाना है, हमें तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है एनीवे। तो हमारा ये क्वेरी पूरा हुआ, सेलेक्ट ई नेम सैल फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे वो आएंगे ई नेम और सैल दो कॉलम के फॉर्म में, ई नेम और सैल, ठीक है। लेकिन किन का, पहला जो टपल है हरीश, इसका डिपार्टमेंट नंबर 10 है तो ये हमारे रिजल्ट में आएगा। क्या दूसरा आएगा राजीव, नहीं, क्योंकि इसका डिपार्टमेंट नंबर 20 है। सिमिलरली तीसरा भी नहीं आएगा। फिर ये 1348 मिथिलेश, ये आएगा बिल्कुल, क्योंकि ये 10 में काम करते हैं। 1399 शंकर, ये आएंगे, यस बिल्कुल आएंगे, क्योंकि 10 है। और फाइनली ये जो प्रेरणा है मैनेजर है, इसका भी रिकॉर्ड आएगा, ठीक है। तो क्या क्या प्रिंट होगा, ई नेम ऑफ सैल, अगर आप चाहें तो यहाँ कॉमा देकर डिपार्टमेंट नंबर प्रिंट करवा सकते हैं मोर रिडेबिलिटी के लिए, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा क्वेरी कंप्लीट है, ठीक है। तो ये वेयर क्लॉज जो है ये मेन फिल्टरिंग के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और क्या यूज़ किया हमने, कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वालिटी, ठीक है, जिससे आप रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, ओके। नाउ दूसरा क्वेरी देखते हैं, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि ये राइट क्वेरी इन एसक्यूएल तो बार बार लिखना है, तो उसे मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो राइट इन क्वेरी एसक्यूएल टू डिस्प्ले ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉय विथ एम्प्लॉय नंबर 1295। नाउ यहाँ क्लियरली मेंशन है कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब टप्पल का सारा एट्रीब्यूट्स, लेकिन किसका, जिसका एम्प्लॉय नंबर 1295 हो, क्लियर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको सेलेक्ट ऑल इन्फॉर्मेशन मतलब स्टार सब कुछ के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑल मेंशन है, किस टेबल से, फ्रॉम एम्प्लॉयज, कंडीशन क्या है, उसकी एम्प्लॉय नंबर क्या होनी चाहिए, 1295, वेयर EMPNO इक्वल टू 1295, क्लियर। SQL के सेंसिटिव नहीं है, तो आप स्मॉल में लिखिए कैपिटल में लिखिए, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता है कि हमें उस एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसका एम्प्लॉय नंबर 1295 हो, तो हम लोगों ने क्या लिखा, वेयर कंडीशन में वेयर EMPNO के लिए 1295, क्लियर। तो ये सिर्फ एक टपल को लेकर आएगा, कौन सा, 1295 क्या है, राजीव, ठीक है। तो EMPNO 1295, राजीव, सेल्समैन 1292, मैनेजर, सैलरी 3200, कमीशन 0.2 एंड डिपार्टमेंट नंबर 20, क्लियर, ठीक। नाउ जो अगला क्वेरी है वह है राइट ए क्वेरी इन एसक्यूएल टू डिस्प्ले एवरीथिंग अबाउट एम्प्लॉय हुज नेम इज कीर्ति, ठीक है। तो एक एम्प्लॉय हमारे टेबल में ऐसी है जिसका नाम कीर्ति है, ठीक है। नाउ अब ये क्वेरी बाकी क्वेरी से अलग है, कैसे, जैसे यहाँ तक तो आप सीधे लिखेंगे, जो कि हम लोग पिछले क्वेरी में यूज़ किया था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या लगना है, जिसका नाम कीर्ति है, तो वेयर ई नेम इक्वल टू कीर्ति, ठीक है। नाउ क्या ये क्वेरी रन करेगा, नहीं, इसमें सिंटैक्टिकल प्रॉब्लम है, क्या, ये कीर्ति जो है, नाम जो है, ये कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर अगर आप उसको कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें सिंगल कोट्स का लगाना मस्ट है। ये सेम चीज इस नंबर के केस में नहीं था, ठीक है। तो जैसा कि मैं पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं होता तब तक जब तक आप किसी चीज़ को सिंगल कोट्स के अंदर ना लगा दें। नाउ इट बिकम्स केस सेंसिटिव, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे, ये किस इन्फॉर्मेशन को लेके आएगा,
ये लेकर आएगा पर्टिकुलर एम्प्लॉय जिसका नाम कीर्ति है। नाउ आप स्पेलिंग देखिए, यहाँ पे कैपिटल के आई आर टी आई, कीर्ति, ठीक है। इसके बारे में ये टपल पूरा आ जाएगा। नाउ हम लोगों ने ठीक यहाँ पे ऐसे लिखा है, अगर आप यहाँ स्मॉल के लिख दें, स्मॉल के आई आर टी आई, क्या ये क्वेरी काम करेगा? यस, क्या लिखा है? स्मॉल के आई आर टी आई, नहीं, क्वेरी इज नॉट सिंटेक्टली रॉन्ग, बट जो आपका आउटपुट आएगा इसमें लिखा है नो रो सेलेक्टेड। क्यों? क्योंकि वंस इट बिकम्स केस सेंसिटिव, ये किसी एम्प्लॉय नंबर से मैच नहीं करने जा रहा है। तो आपको ये ध्यान देना है, जब भी केस सेंसिटिव हो तो आपको एग्जैक्टली वैसा ही लिखना है जहाँ की जैसा कि वो रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर हम लोग देखेंगे जब आपको एग्जैक्टली पता ना हो। मान लीजिए आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आपको पता नहीं, हम लोगों ने इस एग्जांपल में तो 8-10 रिकॉर्ड्स ही लेके चले। मान लीजिए आपके पास टेबल ऐसा है जिसमें 10,000 रिकॉर्ड्स हैं और आपको ऐसा कहा जा रहा है कि उन एम्प्लॉय के बारे में इन्फॉर्मेशन लेके आओ जिनका नाम के से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि वहाँ एग्जैक्ट आपको पता नहीं है कि नाम कीर्ति है या कुमार है या कृष्णा है या समथिंग है, लेकिन वो काम नाम जो है के से स्टार्ट हो रहा है आपको ऐसा पता है, ठीक है। या कुछ ऐसा पता है कि नाम एम से स्टार्ट हो रहा हो, एस से ख़त्म हो रहा हो, या नाम में 5 कैरेक्टर हो या 10 कैरेक्टर हो, या नाम में कहीं भी एम आ रहा हो। तो इन सब चीज़ों के लिए हम जो यूज़ करते हैं वह है लाइक ऑपरेटर, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन आप यहाँ तक रिवाइज़ कर लीजिएगा और टेबल को देख के, टेबल तो आपके पास मस्ट ही है, अगर नहीं है तो अलग से ले लीजिए, क्योंकि ये लंबा चलने वाला है। मैं जानबूझ के वीडियो को शॉर्ट रख रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज़ करने में आसानी हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग लाइक ऑपरेटर वगैरह देखेंगे, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अच्छा होगा आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि नेट के एग्ज़ाम तक ये चलता रहेगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर दें, थैंक यू।